हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल एजुकेशन में। और बेटा आज हम कर रहे हैं हमारी फोर्थ क्लास के इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर प्लांटिक। बेटा इसको लेसन को हमने रीड कर लिया, क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं, अब कर रहे हैं आगे का पोर्शन। तो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है री राइट द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर। हाउ ए सीड ग्रो जर्मिनेट्स इन टू प्लांट्स, राइट दम इन योर नोटबुक। कह रहा है कि नीचे ना कुछ लिखे हुए हैं कि प्लांट कैसे ग्रो करता है और उनको तुम्हें रीराइट करना है, दोबारा से लिखना है कि वो करेक्ट ऑर्डर में हो जाएं। तो पहला है पुट द सीड इन द सॉयल, ऐड सम वाटर, स्प्राउट कम आउट, प्रिपेयर द सॉयल, टेक सम सीड्स। तो इनमें से कौन सा सबसे पहले आएगा? तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे हम, पुट द सीड इन द सॉयल, ये नहीं हमारा होगा प्रिपेयर द सॉयल। पहले सॉयल तैयार करेंगे, है ना, उसके बाद क्या करेंगे, टेक सम सीड्स या ऐड सम वाटर या स्प्राउट केम आउट, क्या होगा? तो बेटा अपने पास होगा टेक सम सीड्स, ये अपना दूसरे नंबर पर आएगा। उसके बाद देखते हैं पुट द सीड्स इन द सॉयल या ऐड सम वाटर या स्प्राउट केम आउट, तो थर्ड ये रहेगा पुट द सीड्स इन द सॉयल। अगला अपने पास है ऐड सम वाटर या स्प्राउट केम आउट, तो बेटा उसमें फिर हम पानी डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे ना, तो फोर्थ पे आ जाएगा ऐड सम वाटर। फिफ्थ पे अपने पास रहेगा स्प्राउट केम आउट, पानी मिल जाएगा उनको, मिट्टी मिल जाएगी, फिर वो उग जाएंगे, ठीक है। अगला अपने पास है वैकेबलरी, वैकेबलरी में क्या है, फाइंड आउट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और उनकी तुम्हें राइमिंग वर्ड लिखने हैं। जैसे अपने पास सबसे पहले अपने पास क्या है, ये एम ई टी मैट, मैट का क्या हो जाएगा, सेट, वेट, है ना। इसी तरह से फन का क्या हो सकता है, फन का हो जाएगा बेटा एस यू एन सन, या बी यू एन बन, या और क्या हो सकता है रन, ये भी हो सकते हैं। वीड एस डबल ई डी सीड, सीड हो जाएगा, फीड हो जाएगा, क्रो का ग्रो या थ्रो, या कुछ भी जो तुम्हें आता है वो लिख देना है। अब आगे बेटा वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स और ग्रेन्स, की हम अलग अलग प्रकार, डिफरेंट मीन्स विभिन्न प्रकार के सीड्स, बीज या अनाज इन आवर डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में हर रोज की जिंदगी में हम अलग अलग प्रकार के बीज और अनाज खाते हैं। नेम द सीड्स एंड ग्रेन्स दैट यू ईट, कह रहा है कि उन सीड्स या ग्रेन्स के नाम लिखो जो तुम खाते हो, एंड आर फाउंड इन किचन ऑफ योर हाउस, और तुम्हारे घर के किचन में जो पाए जाते हैं। ब्रिंग सैंपल्स ऑफ सम ऑफ दीज सीड्स एंड शो देम टू द क्लास, तो बेटा यहाँ पे मैंने नाम लिखे हैं, जब तुम्हारे स्कूल खुलेंगे तो तुम इनके सीड्स लेके आना स्कूल में, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है वीट, गेहूं खाते हैं, ग्राम, चने खाते हैं ना, मूंग, आलमंड, बादाम भी खाते हो, क्यूमिन, जीरा, जीरा यूज होता है ना सब्जी में, कोरिएंडर, धनिया, फेनुग्रीक, इसको बेटा मेथी भी बोलते हैं, मेथी को हिंदी हम मेथी बोलते हैं, ये शब्द तुम्हें कम याद होगा तो इसको अब याद कर लेना, मेथी की इंग्लिश क्या होती है। ये कुछ सीड्स मैंने लिखे हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारे सीड्स हमारे रसोई में होते हैं, उनके जिनके तुम नाम जानते हो लिख लेना, ठीक है। अब आगे अपने पास है ग्रामर, ग्रामर हमें करनी है, और ग्रामर में क्या कह रहा है, आई टुक ए लिटल सीड वन डे, यहाँ पे सीड देखो थोड़ा तिरछा तिरछा सा लिखा हुआ है ना, तो इसमें कह रहा है कि ये जो तिरछा लिखा हुआ है, सीड मीन्स बीज, ये क्या है, इन अबो सेंटेंस वर्ड इन इटैलिक लाइक सीड, डे एंड मंथ्स आर नाउन, ये क्या है, नाउन है, नाउन क्या होता है, नाम, है ना, नाम होता है ना, तो यहाँ पे कह रहे कि ये हमारे पास नाउन है, तो नाउन की यहाँ पे बेटा डेफिनेशन भी दे रखे, नाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू नेम ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग, और नाउन्स आर आल्सो कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड भी इनको कहा जाता है। बेटा इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से भी उसको देख लेना।
और यहाँ पे भी मैं इसको आई बटन में भी दे दूंगी, उसको से भी तुम उसको अच्छे से पूरी वीडियो को देख लेना, फिर नाउन अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ए वर्ब इज एक्शन वर्ड, और वर्ब को हम क्या कहते हैं, एक्शन वर्ड, कि कोई भी काम जिसे किया जाता है उसका पता चलता है कि कौन सा काम किया जाता है, उस वर्ड को हम एक्शन वर्ड कहते हैं, और यहाँ पे इसको हम वर्ब भी कहते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो अपने पास आए हैं वर्ड, इन्हीं के आधार पे जो लेसन में और नाउन्स और वर्ब आए हैं उनको अलग अलग करके तुम्हें लिखना है बेटा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नाउन आया है सीड, मंथ पॉट, वाटर, सोयल, डे, डी ए वाई है बेटा ये, लाइट, डॉट, डॉट मीन्स मिट्टी होता है ना, होप इच्छा, सन, सील, और कैरी अपने हैं नाउन। और अब हम देख लेते हैं यहाँ पे वर्ब, वर्ब इसमें हमारे लेसन में कौन कौन सी आई हैं, टुक, पुट, होप्स, प्योर्ड, सेट, गिव, चेक्ड, टर्न्ड, हेल्प्ड, मेक एंड ग्रो। तो बेटा ये सारी वर्ब हैं, इनको सबसे पहले बेटा तुम अपने लेसन में से छांटोगे, अलग अलग लिखोगे, और फिर जो मैंने लिखा है उससे अपने इसको मिला लोगे कि तुमने कौन सी छोड़ दी है, कौन सी गलत लिख दी है, ठीक है, फिर अपना करेक्ट कर लेना। अब आगे अपने पास है लुक एट द वर्ब इन द इटैलिक इन द सेंटेंस गिवन बिलो, कि नीचे जो सेंटेंस दे रखे हैं उनमें जो इटैलिक में वर्ड लिख रखे हैं, जो कि तिरछे तिरछे से जा रहे हैं, इनको इटैलिक बोलते हैं बेटा, तो जो वर्ड जा रहे हैं उनको कह रहा है कि ध्यान से देखो। तो सेंटेंस पढ़ती हूं मैं, आई चेक द पॉट मोस्ट एवरी डे, कि मैं पॉट को, गमले को प्रत्येक दिन, लगभग प्रत्येक दिन ही देखता था, चेक करता था उसको। सेकंड सेंटेंस है बेटा, एंड टर्न्ड इट वंस और ट्वाइस, और इसको एक दो बार टर्न मतलब घुमा देता हूँ, कहीं ज्यादा धूप है या भाई कम उसको धूप नहीं मिल रही है तो उसकी जगह भी मैं बदल देता हूँ, इधर उधर कर देता हूँ। दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज एडवर्ब, और ये सभी वर्ड जो कि यहाँ पे इटैलिक लिखे हुए हैं ये सारे ही एडवर्ब हैं। एडवर्ब क्या होता है इसको देखते हैं अपने आगे। एन एडवर्ब इज द वर्ड दैट एड सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेस, टाइम, मैनर, कॉज, डिग्री टू वर्ब, एडजेक्टिव, फ्रेज और अनदर एडवर्ब। तो कहता है कि एडवर्ब क्या होती है, एडवर्ब वो होती है, सामान्य शब्दों में बताती हूँ तुम्हें कि एडवर्ब वो होती है जो वर्ब की विशेषता बताती है, वर्ब के बारे में जो कुछ अलग से हो रहा है, कुछ अधिक हो रहा है, कुछ कम हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, किस मैनर में हो रही है, उसके बारे में बताता है, उस वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं। दे टेल अस हाउ ऑफन एंड हाउ फ्रिक्वेंटली समथिंग हैपन्स, वर्ब क्या बताती है, हमें बताती है कि वो कोई भी काम कितनी बार या कब हुआ है। सम मोर सच एडवर्ब आर यूजुअली ऑफन, ट्वाइस, नेवर, डेली, समटाइम्स, सेल्डम, ऑलवेज। तो यहाँ यूजुअली मीन्स प्राय, कि लगभग जो होता रहता है, ऑफन भी प्राय, ट्वाइस दो बार, नेवर कभी नहीं है, डेली हर रोज प्रतिदिन, समटाइम्स कभी कभी, सेल्डम कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा, एटसेट्रा एटसेट्रा मीन्स इसी तरह के और भी। तो ये सब अपनी एडवर्ब होती है जो कि ये वर्ब की विशेषता बता रही होती है। तो यहाँ पे नीचे बेटा सेंटेंस दे रखे हैं और उन पे हमें क्या कह रहा है, पिक आउट एडवर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन, कि एडवर्ब तुम्हें इस सेंटेंस में जो एडवर्ब है उसको छांटना है और आगे लिखना है। तो ये मैंने लिख दिया है क्योंकि समय कम रहता है, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मैं तुम्हें समझा देती हूँ। ही ओफन लिसन टू द रेडियो, ओफन वो रेडियो सुनता है, कब सुनता है, ओफन प्राय सुन लेता है, तो यहाँ पे ओफन यहाँ पे एडवर्ब है। इसी तरह से साहिल गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, कितनी बार जाता है, कब जाता है, डेली। तो डेली ये इस वर्ब की विशेषता बता रहा है कि मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, जाता
उसकी विशेषता बता रहा है कितनी बार, डेली, हर रोज, तो डेली अपने पास एडवर्ब है। इसी तरह से आई समटाइम्स टेक शुगर इन माई कॉफी, मैं कभी कभी अपनी कॉफी में शुगर लेता हूं, लेता हूं कब, कभी कभी, तो यहां पे समटाइम्स। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज गोज फॉर ए वॉक इन द इवनिंग, मेरी ग्रैंड मदर, दादी माँ, हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा, इवनिंग वॉक पर जाती है, मतलब शाम को वॉक करने जाती है। तो कब जाती है, हमेशा, कि यही होता है कि वो शाम को घूमती है, सुबह नहीं घूमती है, इसलिए यहाँ पे ऑलवेज वर्ब की विशेषता बता रहा है कि कितनी बार वो घूमने जाती है, ठीक है। वाहिद यूजुअली हेल्प्स द मदर इन द किचन, और यहाँ पे कह रहा है कि वाहिद अपनी माँ की किचन में हेल्प करता है, यूजुअली प्राय, कि लगभग जब उसकी माँ कुछ काम करती है तो छोटा मोटा काम वो भी करवा देता है रसोई में। दे नेवर वॉच टीवी इन द आफ्टरनून, तो टीवी आफ्टरनून में नहीं देखते, नहीं देखते, कब नहीं देखते, नेवर, कभी नहीं देखते। ये बेटा यहाँ पे सारी एडवर्ब लिखी हुई है, इन सेंटेंसेस को तुम पढ़ लेना, फिर अपने आप तुम आगे के एडवर्ब छांटना और जो मैंने लिखी हुई है उनसे मिला लेना, ठीक है। इसी के साथ अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आगे का पोर्शन हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।